दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो आज हम दोस्त फुल एचिंग में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्त, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला बॉन्ड आपका सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। यदि आपका डबल बॉन्ड हो तो एक आपका सिग्मा बॉन्ड और एक आपका पाई बॉन्ड कहलाता है, और यदि आपका ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड और बचा हुआ दो बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड कहलाता है। जहां पर दोस्त सिग्मा बॉन्ड एक तरह का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड एक तरह का वीक बॉन्ड होता है। अब देखिए दोस्त, एक कंपाउंड ले रहे हैं जो हमारा CH4 है, तो CH4 को एक कार्बन के लिए रूट वर्ड होगी आपका मीथ, और कार्बन हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड है तो यहां पर नाम के अंत में लिख दिए N। तो एक कार्बन के एल्केन को मीथेन बोलते हैं। देखिए दोस्त, कार्बन के पास कम एटम है तो कार्बन हो गया आपका सेंट्रल एलिमेंट, तो यहां पर सेंट्रल एलिमेंट हो गया कार्बन, और टर्मिनल एलिमेंट हो गया आपका हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड बनाता है, तो ये हो गया आपका एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, और चारों बॉन्ड में चार हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका फोर्थ हाइड्रोजन। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो इस कंपाउंड में टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड। यहां पर सिग्मा बॉन्ड बराबर होंगे दोस्त चार, और पाई बॉन्ड यहां पर लिखिए दोस्त, मीथेन में कोई भी पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो यहां पर पाई बॉन्ड होगी आपका जीरो। तो मीथेन में सिग्मा बॉन्ड चार और पाई बॉन्ड आपका जीरो होता है। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त दो कार्बन का एल्केन। दो कार्बन के एल्केन का फॉर्मूला गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहां पर कार्बन का संख्या देखिए दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तो यहां पर हम लोग दो कार्बन बना दिए। इस कार्बन के पास टोटल तीन हाइड्रोजन है, तो हम लोग जानते हैं कार्बन मैक्सिमम चार बॉन्ड होता है, तो ये एक बॉन्ड हो गया, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड। कार्बन का एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, और इस कार्बन के पास टोटल तीन हाइड्रोजन है। यहां पर होगी दोस्त एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, और इस कार्बन के पास भी तीन हाइड्रोजन है। ये होगी आपका वन हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, और ये होगी आपका थ्री हाइड्रोजन। तो हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि जो इथेन है वह सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। यहां पर देखिए पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। तो इथेन में टोटल सिग्मा हो गया आपका दोस्त एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया बराबर आपका सेवन, और इथेन में दोस्त पाई बॉन्ड आपका है जीरो। तो इथेन में सिग्मा बॉन्ड सेवन और पाई बॉन्ड हमेशा जीरो होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो यहां पर देखिए दोस्त, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो, और डबल बॉन्ड के लिए नाम के अंत में लिखिए ई। तो तीन कार्बन के अल्किन को प्रोपिन बोलते हैं। तो प्रोपिन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना। तो देखिए दोस्त, टोटल कार्बन तीन है, ये हो मेरा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और इस कार्बन के पास तीन हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और ये होगी आपका तीसरा हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड लगा दिए। इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, ये होगी आपका एक हाइड्रोजन और ये होगी आपका दूसरा हाइड्रोजन।
हमको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है दोस्त। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड। तो टोटल सिग्मा हो गया दोस्त एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका आठ, और पाई बॉन्ड यहाँ पर है आपका दोस्त एक, तो पाई बॉन्ड बराबर हो गया वन। तो प्रोपीन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड एट हो गया और पाई बॉन्ड आपका वन हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त सी टू एच फोर, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ, और ये हमारा अल्किन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है सी टू एच फोर दोस्त, तो नाम के अंत में लगा देंगे ईन, तो दो कार्बन के अल्किन को इथिन बोलते हैं, तो दो कार्बन है तो यहां पर लिखिए दो कार्बन। अब दो कार्बन है तो इस कार्बन के पास मैक्सिमम चार बॉन्ड होता है, क्योंकि कार्बन आपका टेट्रावेलेंसी नेचर शो करता है, कार्बन के पास एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड और ये हो गया आपका फोर्थ बॉन्ड। चार हाइड्रोजन हमको फिलअप करना है, ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन ये हो गया तीन हाइड्रोजन ये हो गया चार हाइड्रोजन ये पांच हाइड्रोजन ये छह हाइड्रोजन। सर यहाँ पर हाइड्रोजन चार है यहाँ पर हाइड्रोजन छह आ गया, देखिए दोस्त ये आपका अल्किन के जनरल फॉर्मूला पर बेस्ड है, मतलब दो कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड है, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा आपका और यहां से भी एक हाइड्रोजन हटेगा, तो ये हो गया आपका दोस्त इथिन। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका, एक सिग्मा बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड तीन सिग्मा बॉन्ड, अब डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड लिखेंगे, तो इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड हो गया दोस्त एक दो तीन चार पांच, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया पांच और पाई बॉन्ड एक है तो यहां पाई बॉन्ड वन लिख दिए। तो इथिन में सिग्मा बॉन्ड फाइव और पाई बॉन्ड हमेशा वन होता है। अब दोस्त नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड है आपका दोस्त सी टू एच टू, तो दो कार्बन के अल्काइन को इथाइन बोलते हैं, तो सी टू एच टू का जनरल फॉर्मूला हो गया दोस्त इथाइन, तो इथ का मतलब दो कार्बन हो गया तो यहां पर दो कार्बन लिखिए, वाइट का मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, कार्बन के पास चार बॉन्ड होता है ये हो गया तीन बॉन्ड और ये हो गया फोर्थ बॉन्ड, तीन बॉन्ड और ये हो गया आपका चार बॉन्ड। यहां पर देखिए दोस्त पहला बॉन्ड हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, जिस तरह पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो आपका पाई बॉन्ड होता है, एक हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड, यहां सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को लिखेंगे, तो इस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड हो गया दोस्त एक दो तीन, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गया थ्री और पाई बॉन्ड हो गया आपका दो, तो पाई बॉन्ड बराबर हो गया दो। तो इथाइन में सिग्मा बॉन्ड तीन और पाई बॉन्ड हमेशा दो होता है। अब हम दोस्त बेंजीन के रिंग में आते हैं, बेंजीन के रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6, ये हो गया आपका दोस्त छह कार्बन का साइक्लिक चेन, ये हो गया आपका छह कार्बन का साइक्लिक चेन, और इसमें पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होता है, ये हो गया आपका पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और ये हो गया आपका पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास देखिए दोस्त दो एक तीन बॉन्ड, ये हो गया फोर्थ बॉन्ड, दो एक तीन और ये हो गया आपका चार बॉन्ड, दो और एक तीन और ये हो गया आपका चार बॉन्ड, दो तीन एक चार बॉन्ड, यहां पर भी एक हाइड्रोजन होगा और इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन होगा, तो हमको सिग्मा बॉन्ड
और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखिए दोस्त, पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा हो गया पाई बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो बेंजीन के रिंग में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने सो देखिए दोस्तों, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह। तो बेंजीन के रिंग में सिग्मा बॉन्ड होंगे आपका दोस्त 12 और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं, एक पाई बॉन्ड दो पाई बॉन्ड तीन पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड होगी आपका दोस्त 3। तो बेंजीन के रिंग में सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड आपका 3 होता है। तो बेंजीन के रिंग में दोस्त हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन के रिंग में टोटल सिग्मा बॉन्ड होता है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड हमेशा आपका 3 होता है। तो इस तरह आपका दोस्त फुल एचडी में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैलकुलेट करने का तरीका खत्म हो गया। तो दोस्त चीते की चाल बाज की नजर में हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।